This is Kumar Vikram Soni. This is Rishikesh Engle. And you guys are watching us on Desi Feed. जो लोग ये सेंसरशिप लाने की बात कर रहे हैं, those are the same people who would want gay people to be in the closet, right? वो लोग Netflix तो बहुत अच्छे से देखते हैं और बहुत appreciate करते हैं, लेकिन अगर ये अपने Indian old बालाजी में चलता है तो बोलते हैं नहीं, ये तो गंदी बात है। गंदी बात है। Who's always been pressurized by the society, by the family? Thought for a moment and I said, when I'm an actor, तो मुझे ये चीज करनी चाहिए, आई शुड टेक इट अप एज अ चैलेंज। देसी गंदी बातें है, जो आदमी का जो डेस्परेशन होता है ना, सोच सकते हैं कि बस में क्या होगा। मैंने ना सबको बोला है देखने के लिए, बट सबको बोला है वॉल्यूम करके देख, कम करके देखो। हम लोग बहुत ही इंटेंस वाला प्यार लेके आ रहे हैं ऑडियंस के लिए, जो आपको गंदी बात देखने का नज़रिया थोड़ा बहुत बदल देगा। यू विल माइट वॉच इट विद अ डर्टी माइंड, बट यू विल डेफिनेटली एंड अप लाइक विद द एपिसोड, जब आपके दिल में गंदी बात के लिए मोर रिस्पेक्ट होगी, दैट हाउ वी हैव शोन द लव, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वैल्यू लव। एक्चुअली आई एम प्लेइंग नीरज, हु इज अ गे, but he's feminine and he's dressed up as a girl with entirely, you cannot actually figure out if it's a boy or a girl. If you've seen the trailer, you might see there's a girl who's sitting backless and she has a tattoo on her back, lower back. That's me, and no one could actually say that can be me, and that's Neeraj. And he's very sensitive and sweet guy who's always been pressurized by the society, by the family. So he just wanted to die or something, but then he had a Vaibhav as his strength, जो कि ऋषिकेश भैया निभा रहे हैं वैभव का रोल, and he is the strength what Neeraj has to live in. तो ये दोनों भाग के निकल चुके हैं अपने समाज और दुनिया को छोड़ के, एंड दे आर लिविंग इन जंगल नाउ. सो वैभव भैया, सॉरी ऋषिकेश भैया, वैभव इज माई लव, बट ऋषिकेश भैया इज द वन, ही इज प्लेड द करेक्टर सो वेल एंड ही सो इंटेंस, एंड आर relationship, our love, everything is so mature that you can't say that it's just a next door gay couple. It's really, really mature, and the way you see the gay relationships might actually change. I'm playing the character of Vaibhav. Ab it's a grey shade, of course. So, इसके पहले भी मैंने जो भी shows किए हैं उसमें मैंने negative किरदार ही किए हैं, तो I think negative roles really suit me. तो वो चीज़ करने में उतनी मुझे वो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा. डिफ़िकल्ट ये लगा कि जो मैं करने जा रहा था, इट वाज बेस्ड ऑन अ सेक्सुअलिटी वेयर आई हैड टू प्ले बाईसेक्सुअल और गे सेक्सुअल, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. आई वाज प्रीटी स्कैंडलाइज्ड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी फर्स्ट कि मुझे ये करना है, बट देन आई थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आई सेड व्हेन आई एम एन एक्टर तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, आई शुड टेक इट अप एज अ चैलेंज. और नो डाउट आई फील रियली प्राउड कि मैंने ये किया है, क्योंकि आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर. और बिसाइड्स दिस हमारा स्टोरी जो है काफ़ी इंटेंस है, नो डाउट, लेकिन जो हमारी स्टोरी है हनीमून ऑन व्हील्स, सबसे ज़्यादा हंसाने, ये आपको पूरी एंटरटेनमेंट पैकेज है, क्योंकि इसमें भरपूर देसी कॉमेडी है, देसी इफ आई कैन से सेक्स और देसी गंदी बातें हैं, और ये आपको भरपूर एंटरटेनमेंट करेगा. एक जो आदमी का जो डेस्परेशन होता है ना, व्हेन यू ऑलमोस्ट टू द पॉइंट एंड यू आर अबाउट टू गेट सम फन इन योर लाइफ एंड यू जस्ट डोंट, लाइक इट जस्ट कैंसल्स, इट्स ब्यूटिफुली शोन इन इट एंड इट्स रियली अमेजिंग. पेट पकड़ के इतना हंसने वाले हैं हमारा एपिसोड देख के इन द एंटायर सीजन. वेल आई डोंट अग्री टू दिस बिकॉज गंदी बात जो है ये पहले से इनके जो थीम्स अलग अलग हुए, तो लेट मी टेल यू द थीम ऑफ सीजन 3, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो आप देखेंगे कि हर एक स्टोरी में एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेके चले हैं, जैसे कि बोट है, बस है, एरोप्लेन है एंड ट्रेन, यस, एंड आवर स्टोरी इज बेस्ड ऑन बस. तो आप जर्नी ऑफ अ बस, अब आप सोच सकते हैं कि बस में क्या होगा. जो लोग ये सेंसरशिप लाने की बात कर रहे हैं, those are the same people who would want gay people to be in the closet, right? They don't want everyone to come out because somewhere or other they want to hide things or keep things as they were before. Jaisa chal raha tha waise chalate ho, but no one wants to stay in the closet because that does not just let you do with your life what you want on your full potential.
यू कहीं ना कहीं दब के रह जाता है इंसान. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री एंड शो द योर पोटेंशियल वॉट यू कैन डू एंड वॉट यू कैन बी इन योर लाइफ, यू डेफिनेटली डोंट नीड अ सेंसरशिप इन योर लाइफ. Well, all I can say is कि अगर आप लोगों से कहो कि मतलब जो लोग सेंसरशिप की बातें करते हैं वो लोग नेटफ्लिक्स तो बहुत अच्छे से देखते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर ये अपने इंडियन ओल्ड बालाजी में चलता है तो बोलते नहीं ये तो गंदी बात है. सो एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूँगा आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ गंदी बात एंड आई एम ओल्ड बालाजी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट टू पीपल. द गंदी बात इज नॉट सेक्स, गंदी बात इज द टैबू विच सोसाइटी डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट that can be a love. I think this in most interesting feedback was after the screening which we had yesterday, and I left and all my other co-actors were there with me as well in the car, and I called my dad and it was a loudspeaker. I called my dad, I'm like, dad, screening ho gaya hai and it went really well, please dekh lena aap. His response was like, सुन मैंने ना सबको बोला है देखने के लिए बट सबको बोला है वॉल्यूम करके देख कम करके देखो. इट वॉज सो सपोर्टिव ऑफ हिम टू शो दैट काइंड ऑफ करेज टू टेल मी दैट इवन इफ आई एम प्लेइंग अ वुमेन्स कैरेक्टर ही वॉज सो प्राउड ऑफ इट एंड ही वॉज सो ओके एंड इवन ऑल द एक्टर्स वर देयर दे वर लाइक डूड योर डैड इज सो कूल. आई एम लाइक दिस इज हिम या एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय दिस काइंड ऑफ फैमिली हु हैज गिवन मी ऑल फ्रीडम टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये एयर नहीं हुआ है तो उतने फीडबैक्स मुझे नहीं आए, लेकिन फर्स्ट हैंड फीडबैक जो मिला है, जो जैसे कि हमारी कल स्क्रीनिंग हुई और हमारी जैसी स्टोरी ख़त्म हुई तो हमारे डायरेक्टर मिस्टर सचिन मोहिते ही कॉल्ड अस ऑन द स्टेज एंड द एंटायर टीम एंड एवरीबॉडी यू नो दे जस्ट स्टूड अप एंड दे जस्ट अप्रिशिएटेड अस लाइक एनीथिंग की मतलब नो डाउट कि मतलब जो हमने किया है इट टेक्स इमेंस कस्ट्स टू डू दिस तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. तो आई एम श्योर लोग समझेंगे और रियली अप्रिशिएट करेंगे हमारे क्राफ्ट को. अगर आपने गंदी बात आई एम श्योर सबने देखा है बट फॉर दिस सीजन इट्स रिलीजिंग टुमारो, इट विल बी स्ट्रीमिंग ऑन ओल्ड बालाजी. मेक श्योर दैट यू गेट सब्सक्रिप्शन फॉर ओल्ड बालाजी टुमारो इटसेल्फ और टुनाइट इटसेल्फ. अगर घर में चार लोग हो मेक श्योर दैट यू टेक 4 IDs बिकॉज यू हैव टू वॉच इट सेपरेटली, यू कैंट वॉच इट टुगेदर. सो प्लीज गाइज वॉच अस टुमारो. वी आर इन द एपिसोड ऑफ हनीमून ऑन व्हील्स एंड वी वुड बी प्लेइंग मी, आई एम नीरज एंड दैट्स वेबो एंड वी आर इन लव सो मच. So guys, the wait is over. Countdown begins. Gandhi Baat Season 3 releasing tomorrow. Streaming tomorrow on Old Balaji. That is 27 July. So go and watch it and have fun.